जोहार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम फाइटर्स में। दोस्तों इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले मुझे एक बात आप लोगों से जाननी है, क्योंकि मैं इधर थोड़ा सा अपने दोस्तों से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड सा था, ऐसा कह सकते हैं। कुछ काम की व्यस्तता की वजह से बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि मैंने अभी तक देखा नहीं है किन कारणों से, बट किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि आपने जो है ऑप्शन में रेगुलर और बोथ बैकलॉग दोनों कर दिया था, इस वजह से भी रिजेक्ट हुआ है। कुछ लोग कोई और कारण बता रहे थे। एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया है, और उसकी वजह से जो लोगों ने JSSC सीजन में गलतियां की हैं उनके लिए हम लोग कुछ मिल के सारे लोग कुछ उपाय निकाला जा सके। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, एग्जाम को लेके JSSC सीजल के एग्जाम को लेके भी कुछ बड़ी खबर है, लेकिन मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारा नागपुरी गोइट का बुक, नागपुरी का सीजल का बुक हमारा आ गया है मार्केट में, और प्रैक्टिस सेट भी, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, आप नियरेस्ट बुक स्टॉल से अपने ले सकते हैं, ठीक है। खोरठा का हमारा बुक भी हर जगह पहुंच गया है, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट भी पहुंच गए हैं, मतलब हैं 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट, और सारी डिटेल आपको खोरठा के बुक में मिल जाएगी, हर बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। जहां उपलब्ध नहीं है कृपया कर कमेंट सेक्शन में बता दें। और नागपुरी का जो ब्रह्मास्त्र का जो टेस्ट सीरीज हमारा ऑनलाइन का जो चल रहा है, खोटा, नागपुरी, इंग्लिश, संथाली, सबका टेस्ट सीरीज का जो है एक डेमो एप्लीकेशन में अपलोड है। आप लोग एग्जाम फाइटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से लगाइए, और लगाने के बाद आप टेस्ट को परचेस कर सकते हैं। और ऑफर का आज लास्ट डे है, रात में 12 बजे तक। पेपर 3 में टोटल 50 टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर कुछ टेस्ट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ना मिले तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुल 50 टेस्ट है। साथ ही साथ खोटा, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश, संथाली सबका टेस्ट सीरीज है। कोटा, नागपुर, हिंदी, इंग्लिश का 20, संथाली का 15। दिए गए नंबर्स पे, नीचे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ऑफिस के नंबर पे, आप उन पे बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहीं से परचेस कर लीजिएगा। करंट अफेयर का हमारा बुक, उर्दू का भी हमारा बुक जो है मार्केट में आज आ गया है, इसमें प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। 5 प्रैक्टिस सेट उर्दू का कंप्लीट गाइड बुक हमारे आ गई है एग्जाम फाइटर पब्लिकेशन की, आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे ले सकते हैं। और करंट अफेयर का जो आप लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से, 7 से 10 सितंबर के बीच में बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर, साथ ही साथ MCQ क्वेश्चन की भरमार आपको इस बुक में मिलने वाली है। तो बहुत जल्द आपके बीच में हमारी ये पुस्तक उपलब्ध होगी, ठीक है। और ऑफर, ये जितना भी टेस्ट आप ये देख लीजिए, टेस्ट का शेड्यूल है पेपर 2 का, ये सारे शेड्यूल चाहे वो नागपुरी के हो, खोटा के हो, संथाली के, सारे इस शेड्यूल पे ही चलेंगे। और एग्जाम का डेट आगे बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा, ठीक है। तो आज ये ले लीजिएगा ब्रह्मास्त्र का, आज जितना भी टेस्ट सीरीज है सबका आज लास्ट है ऑनलाइन। अपनी रैंक लिस्ट सब कुछ आप देख सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं कुछ दोस्तों को बता देना चाहता हूँ। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, कुछ दिन से, बहुत दिन से वॉच कर रहा था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और सबके स्क्रीनशॉट है मेरे पास, ठीक है। कुछ लोग एक नया कह सकते हैं तरीके का जो है, कह सकते हैं कि सारे बुक्स के PDF बना के वो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक स्पेशल वार्निंग देना चाहता हूँ, और वार्निंग नहीं, टोटल 20 लोगों पे, मैं 20 लोगों पे कल कुछ लोगों को मैंने कॉल भी किया था और सबकी डिटेल निकल गई है, टोटल 20 लोगों पे कॉपीराइटेड का केस होने जा रहा है। उसमें कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स के नाम JPSC JSSC खोटा बोल के और 2-3 ग्रुप्स हैं, सारे के स्क्रीनशॉट पूरा प्रूफ है, और सबके नाम पे FIR, सबको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट एक्ट क्या होता है। किसी की मेहनत को इसी तरह से PDF बना के शेयर करना, जो एक सिंसियर स्टूडेंट PDF से कभी कोई नहीं पढ़ता, फिर भी कुछ लोगों को शायद पता नहीं है कि कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, तो पूरा जुर्माना उनसे हम लोग वसूलेंगे। ये मेरा वादा है एग्जाम फाइटर से, एग्जाम फाइटर ये आपसे वादा कर रहा है कि ये 20 लोग, जिसमें हजारीबाग के भी कुछ लोग हैं, रांची के भी कुछ लोग हैं, और कुछ कोचिंग संस्थान भी हैं, सबके नाम पे FIR बहुत जल्द फाइल होने जा रही है, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट क्या होता है ये लोगों को पता चलना चाहिए। हम अपनी मेहनत को किसी भी कीमत पे जाया नहीं होने देंगे। एक किताब निकालने के पीछे, एक प्रैक्टिस सेट निकालने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्च लगता है, ये लोगों को पता होना चाहिए, और उसके लिए हम बहुत ही सख्त कदम बहुत जल्द उठाने जा रहे हैं। वैसे लोग सावधान हो जाएं, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, ठीक है। और अब एग्जाम को लेके जो मैं बता दे रहा हूँ आपको, एग्जाम की डेट अभी लगभग कन्फर्म है कि एग्जाम की डेट लगभग जो है 15 अक्टूबर को तो नहीं होने जा रही है, ये कन्फर्म है। लेकिन ये मैं ये भी नहीं कह दूंगा कि एग्जाम का डेट जो है बहुत आगे बढ़ने वाला है,
ऐसा नहीं है, अगर बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम का डेट नहीं पड़ने वाला है। तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। जिस वे में आप पढ़ाई कर रहे थे उस वे में आप पढ़ाई करिए। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित जरूर कर दूंगा। बट अब ये कन्फर्म हो गया है, आपने देखा कि जो एग्ज़ाम डेट आया है जेई का, उसमें जो है एग्ज़ाम डेट शायद अक्टूबर के लास्ट तक है, 15 अक्टूबर के बाद तक है, ठीक है। तो अब तो ये कॉमन सा आदमी भी समझ जाएगा कि एग्ज़ाम जो है उस डेट पर नहीं होने वाला है, तो ये अब श्योर हो गया है लगभग, ठीक है, एग्ज़ाम डेट। लेकिन बहुत ज़्यादा अभी तक बढ़ने का उम्मीद नहीं है। आप अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरतें, मेरा निवेदन है आपसे। जिस वे में आप पढ़ रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी में आप पढ़ रहे हैं, उसी वे में पढ़िए। और त्यौहार व्यवहार को इन्जॉय फिलहाल करना छोड़ दीजिए। ये त्यौहार अगर एक बार नौकरी मिल जाएंगे तो ऐसे कई एक त्यौहार आपके जीवन में आएंगे, इसलिए फिलहाल पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करिए। जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल वही पढ़िए। प्रैक्टिस सेट जितना ज्यादा लगाइए, आपके लिए हमारा ब्रह्मास्त्र का पूरा प्रैक्टिस सेट, सारे पेपर्स का, पेपर 3 ऑनलाइन मोड में, उसमें सारा कुछ आपको रैंक और आपको सारे का क्वेश्चन का आंसर, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सब कुछ में आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम आराम से बिंदास होकर पढ़ाई करिए। और जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है, फिर उसके कारणों की तलाश करते हैं, और अगर उसका कोई सॉल्यूशन है तो हम लोग सभी लोग मिलकर निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।